सत श्री अकाल जी। एक कट्टर ईमानदार सरकार की कर सकती है, इसकी मिसाल भगवंत मान जी की सरकार है। जो आप गल माइनिंग की करते चाहे जिदी मर्जी सरकार रही हो, पर उस इस धंधे के एक माफिया का दबदबा रहा। यह पहली बारी है इस बारी कट्टर ईमानदार सरकार आई है। साढ़े मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मैनु यह जिम्मेदारी दी, तो असी दिन रात मेहनत करके इलीगल माइनिंग पंजाब चो खत्म कर दी है। बतौर माइनिंग मिनिस्टर मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विचों इलीगल माइनिंग खत्म हो चुकी है। जिथे भी कभी भी कोई इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट आती है, फॉरन एक्शन हुंदा, FIR हुंदी है, तो मामला दर्ज किया, तो किसी के नाल कोई भेदभाव नहीं। इस दे नाल ही जिहड़ा लीगल माइनिंग है उस दे विच भारी इजाफा होया। आ जिहड़े टेंडर दिते गए सी, ये पिछली सरकार वालों दिते गए सी, ते मार्च 2023 तक है। उन्हां ही ठेकेदारां उन्हां कॉन्ट्रैक्टरां तों शिकंजा कस के ईमानदारी दे नाल लीगल माइनिंग कराई गई। तो मैं थानू दसदे हुए खुशी हुंदी है कि पिछले साल सिर्फ 35,000 तो 40,000 मैट्रिक टन डेली एवरेज एक्सट्रैक्शन हुंदी सी, खड्डां चों रेता बजरी निकलदा सी, जबकि असी 1,00,000 तो पार लेके जा चुके हैं। कल पंजाब दे विच 1,03,000 मैट्रिक टन एक्सट्रैक्शन हुई है। तो होर चौंकाने वाली आंकड़ा है, पिछले साल मई महीने सिर्फ 8,00,000 मैट्रिक टन लीगल माइनिंग हुई, तो इस साल मई महीने असी ऑलरेडी 18.5 लाख मैट्रिक टन पार कर चुके हैं, जो कि 2 गुणा तो भी ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि पिछलियां सरकारां इलीगल माइनिंग करांदियां सी, ते उस दे नाल पंजाब सरकार दे खजाने नूं जिहड़ा है उहदे च चोरी हुई, एक माफिया चलदा सीगा। एक कट्टर ईमानदार सरकार है, साढ़े माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का आदेश है। उस दे तहत सारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके एक कारनामा करके दिखाया। ते होर पिछले साल 7 दे विचों 6 ब्लॉक चलते सी, इस साल 7 दे विचों सिर्फ 4 ब्लॉक चल रहे हैं, तां वी लीगल माइनिंग 2.5 गुणा तो वध गई है। रोपड़ जो इलीगल माइनिंग का गढ़ रहा, पिछले साल मई महीने दे विच कागजां दे विच सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन उत्थों माइनिंग दिखाई गई, जबकि रोज़ाना पिछले साल हमेशा अकेले असीं उत्थे इलैक्शन लड़े देखिया किवें रोज़ाना सैकड़े हज़ारां की तादाद टिप्पर निकलते सी। इस साल रोपड़ ब्लॉक के 1,60,000 मैट्रिक टन, 8 गुणा लीगल माइनिंग वड़ी, 8 गुणा। साडा दावा है कि असीं इलीगल माइनिंग माफिया के उत्ते टोटल उसकी जिहड़ी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। पंजाब दे विच जिहड़ा भी टिप्पर जिहड़ा भी ट्रक रेता लैके चल रहा उहदे कोल लीगल स्लिप है। पंजाब दे विच जिन्ने भी माइनिंग डिपार्टमेंट के भ्रिष्ट अधिकारी से उन्होंने सस्पेंड कर दिता गया है। सेंसिटिव जोन पहाड़ों के उत्ते जिहड़े क्रशर लगे हुए से उन्होंने सील कर दिता गया। जदों लीगल माइनिंग की संख्या वधेगी तो लोगों को रेता बजरी सस्ता मिलेगा, पंजाब सरकार का खजाना भरेगा, तो इस दे नाल जिहड़ी सब तो जरूरी चीज़ है साड़ी धरती माता, असी अपने वातावरण की देखरेख कर सकते हैं, क्योंकि सानू पता होगा कि एक खड़ चो जिन्नी लीगल क्वांटिटी अलाउड है उन्नी ही उत्थों एक्सट्रैक्शन हो सके। आने वाले दिनों दे विच साडा असी होर भी माइनिंग नू होर भी बहुत कुछ करन जा रहे हैं, तो पूर्ण थानू विश्वास दवांदे हैं कि जिवें इस धंधे के उत्ते एक माफिया का रूल रहा से, हुण एक कट्टर ईमानदार सरकार आ चुकी है, तो इस तों सारा खजाना इस चों एक एक पैसा पंजाब सरकार के खजाने जाऊगा, तो पैसा दोबारा आप सब के भले लिए वरते जाऊगा। धन्यवाद।